इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। क्या है इसके मुख्य बिंदु? इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन काल से भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करना है। इसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR द्वारा जारी किया गया है। इस शैक्षणिक पुस्तक में 30 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए 30 लेख हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के समय से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का पता लगाता है। इसके 6 भाग हैं: पुरातत्व, साहित्य, मुद्रा शास्त्र और पुरा लेख। दूसरा, गढ़, महाजन पद, राज्य। तीसरा, भक्ति और सांप्रदाय, लोकतांत्रिक परंपराओं की कल्पना। नंबर 4, प्रजातांत्रिक वादों का प्रस्फुटन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। 5, लोक, जनजाति और खाप। नंबर 6, लोकतंत्र के लोकाचार का पता लगाना, मानवता और उपनिषेधवाद। इस पुस्तक के लेखकों में प्रसिद्ध पुरातत्वविद वसंत शिंदे, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव लोचन, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिगर मोहम्मद और सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीनू पंत शामिल हैं। इस पुस्तक की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता पर लेख से होती है, जो दुनिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली थी। इसमें अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जनजाति और खापों पर धाराएं भी शामिल हैं। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर संकल्पना नोट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ICHR ने सभी विश्वविद्यालयों के साथ इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर अवधारणा नोट साझा किया है और उन्हें संविधान दिवस यानी 26 नवंबर के अवसर पर एक ही विषय पर व्याख्यान आयोजित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए इन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।